बीएचयू भोजपुरी अध्ययन केंद्र में कविता का समय विषयक सेमिनार का आयोजन हुआ। काशी हिंदू विश्वविद्यालय स्थित भोजपुरी अध्ययन केंद्र के सभागार में कविता का समय विषय पर विचार गोष्ठी के साथ बहुभाषी कविता पाठ का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता हिंदी विभाग के प्राध्यापक और भोजपुरी अध्ययन केंद्र के समन्वयक प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने की। इस अवसर पर प्रोफेसर श्री प्रकाश शुक्ल ने कहा कि कविता अपने समय में होकर भी समय के पार जाती है। कवि उस समय को रचता है जिस समय को कोई देख नहीं पाता। प्रोफेसर शुक्ल ने कहा कि इस जटिल, विकट और उलझे हुए समय में ये कविता के सांस्कृतिक पहचान का समय है। कविता अपने समय के भीतर होकर भी आने वाले समय से संवाद करती है। मुख्य वक्ता और प्रतिष्ठित कवि हीरालाल मिश्र मधुकर ने कहा कि साहित्य समस्त संस्कृति का मेरुदंड भी है, केवल समाज का दर्पण नहीं है। इस अवसर पर हीरालाल मिश्र ने हर समय चक्र के हस्ताक्षर नामक कविता का पाठ भी किया। विशिष्ट वक्ता और वरिष्ठ कवि हरे राम त्रिपाठी चेतन रहे। इस सत्र में हिंदी, अंग्रेजी, भोजपुरी, मैथिली, मराठी आदि भाषाओं में कविता पाठ किया गया, जिसमें सौम्या मिश्रा, मनोरमा, शिवानी, राहुल केशरी, एकता सागर, रोशन राजीव, शुभम कुमार, आशुतोष शर्मा आदि ने अपनी कविताओं का सुंदर पाठ किया। कार्यक्रम का संचालन छात्र अंकित मिश्र ने किया। स्वागत वक्त विमानस पत्रिका के संपादक और शोधार्थी आर्यपुत्र दीपक ने दिया। सत्र के अंत में धन्यवाद ज्ञापन शोध छात्र राकेश ने किया। इस दौरान सभागार में भारी संख्या में छात्र छात्राएं और शिक्षकगण उपस्थित रहे। असल में आज भोजपुरी अध्ययन केंद्र के राहुल सभागार में मानस पत्रिका के तत्वावधान में कविता का समय पर एक बातचीत रखी गई है और उसके साथ साथ बहुभाषी कविता पाठ भी रखा गया है। सबसे रोचक बात यह है कि केंद्र के इस सभागार में पहली बार बहुभाषी कविता पाठ के अंतर्गत 22 युवा कवि भाग ले रहे हैं, जिसमें मराठी के, बंगला के, हिंदी के, संस्कृत के, अंग्रेजी के और भोजपुरी के कवि अपनी प्रतिभागिता दे रहे हैं। इस पूरे कार्यक्रम का उद्देश्य ये है कि नई पीढ़ी को, जो हमारी युवा पीढ़ी है और अन्य भाषाओं में जो लिख रही है, उसको कविता के बारे में बताना, क्योंकि कविता पाठ के ठीक पहले कविता पर एक परिचर्चा शामिल की गई है। उस परिचर्चा में शहर के, देश के वरिष्ठ जो ख्यात लब्ध लेखक हैं भोजपुरी के, हिंदी के, उनको बुलाया गया है, जिसमें कि हीरालाल मिश्र मधुकर, हरे राम त्रिपाठी चेतन, प्रकाश उदय, भूगोल विभाग बीएचयू के सरफराज आलम लोग शामिल हैं, कुमार मंगलम जो युवा प्रतिनिधि के रूप में शामिल हैं। ये लोग शुरू में कविता के समय पर, कविता के स्ट्रक्चर पर, उसकी रचना प्रक्रिया पर पूरी बात करेंगे और उसके बाद बहुभाषी कविता पाठ शुरू होगा। तो असल में कविता पर बातचीत के तुरंत बाद कविता पाठ का आशय यह है कि जो नई पीढ़ी, इसमें आप देखेंगे बीए के बच्चे हैं, एमए के बच्चे हैं, रिसर्च के बच्चे हैं, हमारा जो फोकस है बिल्कुल जो युवा पीढ़ी है, जो युवतम पीढ़ी के रचनाकार हैं, वे अपनी कविताएं पढ़ें। तो जब उस विद्वानों का वक्तव्य सुनेंगे और कविता की रचना प्रक्रिया, उसके संरचना के बारे में वो समझेंगे, तो इसके बाद अपनी कविताओं में भी वो सुधार लाएंगे। और नई शिक्षा नीति का भी यही उद्देश्य है कि हम लोग धीरे धीरे बहुभाषी रचनाशीलता की ओर बढ़ें और अंतर अनुशासनित जो कविता पाठ है उसको बढ़ावा दें, उसको प्रोत्साहित करें।